सो हेलो इसके फैमिली, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल रिव्यू करने वाले हैं इंडिया की और हीरो मोटोकॉर्प की सबसे ज़्यादा चीपेस्ट टू व्हीलर की, जो कि है HF 100। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये बाइक HF 100 है, HF Deluxe नहीं है। तो ये बेस्ड है HF Deluxe के ऊपर, लेकिन इसमें आपको HF Deluxe से थोड़ा सा मतलब कम फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जिसके चलते कंपनी ने इसके प्राइस को काफ़ी ज़्यादा कम रखा है। तो आइए इस बाइक के बारे में फुल डिटेल्स में बात करते हैं और देखते हैं कहां कहां पर HF Deluxe से इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस बाइक के लुक से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट में आपको बिल्कुल ही सेम HF Deluxe वाला ही लुक देखने को मिलता है, आपको एकदम जस्ट उसी की तरह कॉपी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक इंटीग्रेटेड वाइजर देखने को मिलता है, जिसके ऊपर आपको हीरो कंपनी का 3D लोगो देखने को मिल जाता है। और हेडलैम्प के बारे में बात करते हैं, तो हैलोजन हेडलैम्प ही देखने को मिलता है, इंडिकेटर्स भी वही सेम आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको नंबर प्लेट होल्डर देखने को मिल जाता है। बाकी फ्रंट से आप लोग देख सकते हैं, इस वाइज़र के ऊपर आपको कोई भी ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलता है। और इस मडगार्ड के बारे में बात करते हैं, तो ये भी सेम यूनिट है जो कि आपको HF Deluxe से मिलता है। और फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फॉक्स देखने को मिल जाते हैं। और टायर सेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो कुछ इस टाइप का आपको फ्रंट टायर देखने को मिलता है। और सेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा होगा, 2.75x18 इंच का ट्यूबलेस टायर फ्रंट आपको देखने को मिलता है। और ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको 130mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, और इसमें आपको कोई भी ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, इसमें आपको कोई भी डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। बाकी दोस्तों, साइड की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको साइड में कुछ इस टाइप का ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। तो इस बाइक में आपको ग्राफिक्स का जो इस्तेमाल वो कंपनी ने कम किया है, वहीं HF Deluxe में देखते हैं तो आपको इस साइड पे भी थोड़ा मोड़ा ग्राफिक्स का काम देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें कंपनी ने ग्राफिक्स का जो यूज है वो थोड़ा सा कम रखा है। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रेड और वाइट कलर में इस बाइक का ग्राफिक्स दिया हुआ है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा नया दिख रहा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर HF 100 का लोगो देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली ये HF Deluxe नहीं है, ये HF 100 है, HF Deluxe के ऊपर ही बेस्ड है, जिसमें आपको थोड़े मोड़े कम फीचर्स देखने को मिलते हैं। इंजन के बारे में बात करते हैं, तो इंजन आपको सेम देखने को मिलता है, 99.7cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, जो कि आपको 7.9 BHP का पावर और 8.05 Nm का मैक्स टॉर्क जनरेट करता है। तो यहाँ पर इस बाइक का जो पावर फिगर भी है, देखा जाए तो अपने सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसका वजन भी कम है और पावर भी उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सही है। तो पावर में आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। बाकी गियरबॉक्स के बारे में बात करते हैं, तो 4 स्पीड का आपको गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको एक लॉकेबल ग्लव बॉक्स टाइप का देखने को मिलता है, जिसमें आप अपने कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। और किक स्टार्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है। और ये रहा इस बाइक का फुट पैक, जिस पर आप पैर रखते हैं, ये भी रबराइज्ड है, काफ़ी अच्छे क्वालिटी का दिख रहा है। बाकी एग्जॉस्ट कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर साइलेंसर मफलर अभी लगना बाकी है, जब ये बाइक डिलीवरी के लिए रेडी होगी तब इस पर लग जाएगा। सस्पेंशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है 2 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ, जिससे आप चाहे तो अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी रियर टायर के बारे में बात करते हैं, तो रियर टायर भी आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे सेक्शन इस बाइक का 2.75x18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। तो ये सेम यूनिट देखने को मिलता है, जो कि आपको फ्रंट में भी देखने को मिलता है। बाकी रियर सेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो रियर से ये बाइक पूरी तरह से सेम है HF Deluxe के जैसे ही। मेन दोस्तों बात करते हैं, कहां कहां पर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे HF Deluxe से, वो है ये ग्रैब रेल्स। तो आपको ये बेसिक वाले ग्रैब रेल्स देखने को मिल जाते हैं, वहीं HF Deluxe में आपको थोड़े प्रीमियम क्वालिटी के प्लास्टिक टाइप के ग्रैब रेल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको लोहे का रड टाइप का एक ग्रैब रेल देखने को मिलता है, जो कि देखने में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। बाकी इसमें आपको सिंगल सीट देखने को मिलता है और काफ़ी लंबा सीट ये है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग आराम से चाहें तो 3 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, तो 9.1 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस बाइक की देखने को मिल जाती है। और ये रहा इस बाइक का स्पीडोमीटर, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, सिंपल आपको इन्फॉर्मेशन शो करता है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको फ्यूल गॉस, यहाँ पर आपको न्यूट्रल लाइट, इंजन मालफंक्शनिंग लाइट और हाई बीम लाइट, और यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स का मतलब कि लाइट देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर किलोमीटर्स पता चलते रहेंगे कि बाइक कितना चल चुका है। बाकी इस साइड में बात करते हैं, तो आपको ये लो बीम हाई बीम और ये इंडिकेटर स्विच ऑन स्विच, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ खाली खाली दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें आपको कोई भी सेल्फ स्टार्टर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, ना ही आपको i3s देखने को मिलता है। तो बेसिकली यही कुछ कुछ कंपनी ने मतलब कि कटौती किया है HF Deluxe के कंपेरिजन में, ताकि इसका जो प्राइसिंग है वो कम रखा जा सके। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले i3s देखने को नहीं मिलता, यहाँ पर सेल्फ स्टार्टर नहीं मिलता, यहाँ पर आपको ग्रैब रेल्स वो वाले नहीं मिलते, और इसमें आपको ग्राफिक्स उस हिसाब से नहीं मिलता, काफ़ी कम कंपनी ग्राफिक्स का यूज किया है। बाकी दोस्तों रियर ब्रेक के बारे में बात करते हैं, तो रियर में आपको 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है, जो कि आपको सेम आगे में भी देखने को मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करते हैं, तो आपको 165mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से कम कंपनी को इसमें 170+ देना चाहिए था ग्राउंड क्लियरेंस,
लेकिन फिर भी देखा जाए तो ठीक है, आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उसके बाद बात करते हैं इस बाइक के सीट हाइट की, तो आपको 805 mm का सीट हाइट देखने को मिल जाता है। तो सीट हाइट भी कंपनी ने डिसेंट रखा है, तो अगर आपका हाइट मतलब कि मीडियम है और लो भी है तो तब पर भी आप इस बाइक को इजीली राइड कर सकते हैं। बाकी आपको इस साइड में कुछ इस टाइप का लुक देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको सारी गाइड देखने को मिलता है। जब ये बाइक डिलीवरी के लिए निकलेगी तब ये चीज़ फिट हो जाएगा इसमें। ओवरऑल ये बाइक आप लोग देखकर हमें बताएं कि कैसा लग रहा है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ फीचर्स कम मिलते हैं, तो आप लोग बताएं कि ये जस्टिफाई करती है या फिर नहीं। बाकी दोस्तों इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, तो हमारे एरिया ससुराम रोहतास बिहार में यानी कि शाहबाद हीरो के ऊपर इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस आपको देखने को मिलता है वो है करीबन 65,000 के अप्रॉक्स में। बाकी एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको शोरूम विजिट करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से मेरा ये सोचना है कि अगर आपको एक मतलब कि प्रैक्टिकल बाइक चाहिए, आपको फीचर वगैरह से कोई खास मतलब नहीं है, आपको कम पैसे में, आपका बजट अगर कम है, कम पैसे में आपको एक बेहतरीन बाइक चाहिए, हीरो कंपनी का रिलायबल बाइक, रिलायबल इंजन हो जिसका माइलेज भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जिससे आप लंबे टाइम तक रख सके, तो आप इस बाइक के साथ आँख मूंद कर जा सकते हैं। बाकी दोस्तों बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइट हार्ट राइट सेफ।